बात करने वाली हूँ आज मैं फुल डिटेल में बताने वाली हूँ उस क्रीम के बारे में कि उसका प्राइस क्या है क्वान्टिटी कितना है आपको कब लेनी चाहिए कौन सी चीज़ों में वो है जो है वर्क करता है कहाँ से आपको लेनी है ताकि आपको जो है ऑरिजिनल प्रोडक्ट रिसीव हो कब यूज़ करना है कैसे यूज़ करना है कितने लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है और कौन कौन सी चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो ठीक है पूरी तो डिटेल में बताने वाली हूँ इस क्रीम के बारे में तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हो एंड यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना कहीं पर भी स्किप मत करना पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप इस स्क्रीन का तो इस्तेमाल करें ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इट्स फ्री टू सब्सक्राइब तो प्लीज, तो प्लीज कर लेना नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके जस्ट बगल में ब्लाइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियोज डालू सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इस चले वीडियो को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलने में तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा एंड इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दो क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो ना और जो भी ब्लॉग देखते हो उसको पता होगा अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल पर नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाकर चेकआउट जरूर करना एंड मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसका जो प्राइस है वो कितना आपको मिलेगा तो अगर आप पंद्रह ग्राम की क्वांटिटी वाला लोगे तो आपको अराउंड टू फिफ्टी या फिर थ्री हंड्रेड के आसपास में मिल जाएगा अगर आप इसका थर्टी ग्राम वाला लोगे तो आपको फाइव हंड्रेड टू फाइव फिफ्टी के अंडर मिल जाएगा ठीक है कैसे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे और अगर आप फार्मेसी से लोगे मैं आपको बता दूं फार्मेसी में सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ़ में सारे जो भी मेडिसिन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा और अगर आप सेकेंड या थर्ड ऑर्डर कर रहे हो तो आप मेरे रेफरल कोड यूज़ कर लेना अगर आप फर्स्ट ऑर्डर भी कर रहे हो तो उसमें से भी आपको पाँच परसेंट ऑफ मिलेगा और प्लस आपको सेवेंटी जो परसेंट है वो अलग से मिलेगा तो आप बहुत सस्ते प्राइस में जो है फार्मेसी से ऑर्डर कर सकते हैं और सबसे बेस्ट थिंग इज़ मैं भी बहुत सारी चीज़ें वहीं से ऑर्डर की हूँ और दो दिन में ही डिलीवर हो जाता है विच इज़ ग्रेट आप जाके प्लीज़ चेकआउट करना ठीक है तो मैं बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो अगर आपको इस क्रीम को लेनी है तो आप वहाँ से जरूर जा जाके चेकआउट कर लेना ठीक है तो अब मैं बात करूंगी ये इसे जो है कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसे सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं अगर आपके सेंसिटिव स्किन है तो भी आप यूज कर सकते हो ड्राई है तो भी आप यूज कर सकते हो नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं क्यों यूज कर सकते हैं इसमें जो भी चीज़ें मिलाई गई वो सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल है इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है तो आपको कहीं से भी साइड इफेक्ट कहीं से भी नहीं होगा गाइस मैं आपको बता दूं उसमें क्या क्या मिलाया गया है तो उसमें मिलाया गया है वाइटमिन ई ऑलिव ऑयल जजुबो ऑयल कुकुम बटर और सोल एसिडिन तो सारी चीजें आप देख रहे हो सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो इस क्रीम में आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा अगर आप बाहर भी जाते हो जिस टाइम में आप यूज कर रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा ठीक है अब मैं बात करूंगी इसको अगर आपको कौन सा प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ठीक e है इसमें वाइटामिन ई मिलाया गया है जैसे कि आपको पता होगा वाइटामिन ई e जो होता है हमारे स्किन टोन को लाइटन अप करने में हमारे स्किन पे ग्लोइंग लाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो अगर आप अपने स्किन को इन्हेंस करना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो स्किन टोन को थोड़ा सा यू नो इन्हेंस करना चाहते हो और आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा डल है ग्लोइंग नहीं है स्किन

वीक या फिर थ्री वीक के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट अब मैं बात करूंगी इसको आपको कब यूज करनी है ठीक है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज करना मॉर्निंग में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है रात में ही करना है जब आपका बॉडी रिलैक्स होता है तब जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देता है एंड आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा ठीक है अब मैं बात करूंगी कि आपको कितने लॉन्ग uh, टाइम तक इसको इस्तेमाल करना है तो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन या फिर थोड़े बहुत डार्क स्पॉट है मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ या फिर थोड़े बहुत है पिम्पल्स के बाद uh, जो दाग दबे हो जाते हैं तो उस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको दो वीक तीन वीक तक यूज करोगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा और जैसे ही आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको उसको स्किप कर देनी है रेगुलरली आप नहीं यूज करना जब आपको प्रॉब्लम होगा तो ठीक है अगर आप इसको स्किन व्हाइटनिंग के लिए या फिर स्किन लाइटनिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगी वीक में इसको सिर्फ और सिर्फ दो बार ही यूज करें और जिस दिन आप इस क्रीम को नहीं यूज़ करोगे उस दिन आपको जो है बोरोलिन का इस्तेमाल करना है ठीक है जैसे ही आप देखोगे आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है वैसे ही आपको इस क्रीम को स्किप कर देनी है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको नहीं यूज़ करना है कोई भी चीज़ अगर आप पूरे यू you नो know, बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो दो साल तीन साल तक तो आपको मे बी साइड इफेक्ट मिल सकता है नेचुरल चीज़ों में भी मिलता है और आपको अपने स्किन को मेनटेन करने के लिए जब आप इसको छोड़ दोगे तब आपको बोरोडिन का रेगुलरली जो है इस्तेमाल करना ताकि आप जो भी रिजल्ट आपको मिला है वो हटे ना ठीक है तो इस तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसमें नो साइड इफेक्ट है तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जो है सेफेस्ट क्रीम मैं आप बोल सकती हूँ अगर आप स्किन व्हाइटनिंग स्किन लाइटनिंग या फिर कोई भी चीज़ में यूज करना चाहते हो तो ठीक है मैं आपको बता दूँ आपको प्रिकॉशंस में क्या क्या लेनी है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ ये जो है यूवीरेस आपको दे रहा है सन प्रोटेक्शन दे रहा है बट फिर भी आपको जो है एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है मॉइस्चराइजर यूज़ करना है और uh, कोशिश करें कि आप ज़्यादा धूप में ना जाए ठीक है कम ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप एक स्किन लाइटनिंग वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑल ओवर बिल्कुल सेफ है कहीं से भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है बट अगर सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो थोड़ा सा आपको यू नो प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको टेस्ट uh, करके ही इसको यूज करना है ठीक है मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूं कि अगर आप कोई सा भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो टेस्ट कर लो क्योंकि को आप नहीं जानते हो कि कौ, कौन सा क्रीम आपको साइड इफेक्ट दे दे ठीक है तो टेस्ट करके ही हर हाँ चीज़ को यूज करना है आपका कोई भी स्किन टाइप हो मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं अप्लाई करती हूँ उसके बाद ही मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ ठीक है तो यही है इस क्रीम के बारे में पूरा डिटेल वीडियो और अगर आपको फिर भी कोई क्वारीज हो कोई भी पॉइंट छूट गया हो कोई भी चीज़ें मैं मिस करती हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट कर लेना मैं हंड्रेड आपका रिप्लाई दूंगी कोई भी क्वारीज हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इट्स फ्री टू सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लेना मेरे चैनल पर 95 फाइव लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लेना और लाइक करना इस वीडियो को शेयर करना जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है ताकि उनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में और मेरे रेफरल कोड आप यूज़ कर लेना अगर आप फार्मेसी से लोगे तो कहीं और से मत लेना गाय क्योंकि मैं देख रही हूँ अमेजोन पर भी आजकल फेक प्रोडक्ट मिल रहा है खास करके मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट में भी वही प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है सो so बेटर यही होगा कि आप जो है फार्मेसी से लेना ठीक है आपको हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और अगर आप आपके बगल में कहीं पे मेडिकल पे स्टोर है तो वहां से भी आप ले सकते हो ठीक है यही आज का वीडियो चले मिलती है नेक्स्ट वीडियो में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना